kindly request you all, please turn off your mobile phone for the duration of the play, which is approximately 80 minutes. And now, the moment we've all been waiting for. Behold, Badal Sarkar, Spartacus. देखा जैसे मेरा टैटू दबा देगा, लेकिन एक लफ्ज नहीं। जाहिर है
यह स्पार्टाकस तो है नहीं, उसका कोई खास साथी था। स्पार्टाकस टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी साथी टुकड़े टुकड़े हो गए, इसी की तरह सलीबों पर लटके हैं। रोम की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाए। आप कुछ और जानना चाहेंगे? बस बस इतना ही काफी है, हमें जाना है। पैसे नहीं हो, देखो। आखिर रोम की बुनियाद इन्हीं गुलामों पर तो टिकी है। क्या मतलब? क्यों कुछ गलत कहा? मुझे तो नहीं लगता रोम की बुनियाद इन गुलामों पर टिकी है। हम लोग रोमन है, आम आदमी नहीं। का तो मंजूर करते हैं? बेशक। क्यों? कैसे? क्योंकि असल में रोम ने ही सबसे पहले गुलामों के इस्तेमाल को समझाओ। लेकिन गुलाम तो रोम से भी बहुत पहले से है। हमारे रोम में गुलाम ही खेती बाड़ी करते हैं, गुलाम ही इमारतें बनाते हैं, जूते बनाते हैं गुलाम, खाना पकाते हैं गुलाम, गुलाम ही हमारे बच्चों को पालते हैं, गुलाम गुलाम गुलाम। ठीक है, इससे हम पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, फिर भी हमें समझना जरूर चाहिए। हमें समझने की क्या जरूरत है? नहीं समझे तो वो हमें एक दिन बर्बाद कर देंगे। आप तो कापुआ से ही आ रहे हैं, है ना? आते वक्त एपीएन सड़क के दोनों तरफ नहीं देखा? ये कोई सबूत नहीं है। और क्या सबूत होगा? स्पार्टिकस के टुकड़े टुकड़े हो जाने से ये तो साफ जाहिर होता है कि रोम साम्राज्य को गुलाम तो बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन स्पार्टिकस पैदा तो उसे रोम के हालात ने किया था। स्पार्टिकस बस एक गंदे नाले का एक गंदा कीड़ा था और उसी नाले में बह गया। ठीक है, पर रोम की बुनियाद इसी गंदे नाले पर टिकी है। अगर कभी इसमें बाढ़ आ गई तो सारा कसार रोम ढह जाएगा। पर अब इस नाले में कभी बाढ़ नहीं आ सकती, क्रासुस ने उसे हमेशा के लिए दबा दिया है। देखोगे? देखा, बाढ़ कभी नहीं आ सकती। ऐसा ही गुलाम था, ऐसा ही कुत्ता, ऐसे ही सारी जिंदगी उसने लाते थे। क्या कह रहे हो? यही कुत्ता कभी स्पार्टाकस न बन जाए कौन कह सकता है? क्या बकवास कर रहे हो? सेनापति क्रासुस, आपका क्या ख्याल है? स्पार्टाकस टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन 4 साल लड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े तो हो गया, लेकिन रोम की 3/4 अजय सेना को बर्बाद करके स्पार्टाकस टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर कभी पैदा हुआ तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सेनापति क्रासुस, क्या आप स्पार्टाकस को पहचानते थे? देखा तो नहीं, पर लगता है मैं उसे जानता था। पर आप उसे कैसे जानते थे? मालूम किया था। किससे? ग्लैडिएटरों के अखाड़े के मालिक लेंटिलिस डिमिट्रियस से। क्या आप बताएंगे कि आप उसे क्यों जानना चाहते थे? क्योंकि दुश्मन को बिना जाने फतह नहीं किया जा सकता। बस यही बात तो मैं आप लोगों को अब तक समझाने की कोशिश कर रहा था। बाबा सिसेरो, क्या बात है? डिमिट्रियस ने क्या बताया? आप हमें ये नहीं बताएंगे? वो तुम उसे कहाँ मिले थे? बताओ ना क्रासुस। वो बहुत लंबी दास्तान है, इन लोगों को पसंद नहीं आएगी। तब चलिए हम लोग बाग में चलकर बातें करते हैं। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। सबक है? नींद आ रही है? नींद तो नहीं, पर कुछ लिखना है। ऐसा क्या लिखना है? गंदे नाले का इतिहास। सबक है। नहीं आ रहे? हाँ, बहुत रात हो गई है। तुम आज किसके साथ सोओगे एंटोनियस? क्लॉडिया के? हो गए, रात को ही आई है और तुमने सिर्फ उसे खाने के वक्त देखा है। फिर भी तुम्हें इतना सब कुछ पता है? और तुम्हारी घरवाली जूलिया? मैं नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उसे मेरा भांजा पसंद है। बेचारी जूलिया,
बेचारी क्यों? देखा नहीं, काही उसकी नजर तो उस ग्रीस वाली गुलाम छोकरी पर है। अच्छा, और ससुरो? लगता है वो तो अकेला ही पड़ा रहेगा अपने गंदे नाले में। अच्छा, तुम्हारा ससुरो के बारे में क्या ख्याल है? अक्लमंद है, ख्वाहिशमंद भी है और अपनी तरक्की की खातिर अपनी माँ का खून भी कर सकता है। जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ा बाग में टहलूंगा। चांदनी रात में तुम्हारा बाग और भी खूबसूरत लगता है। पर वहाँ तो क्रासुस और हेलेना है। बेवकूफ हो क्या, वो तो सीधे अपने कमरे में सोने चले गए। अच्छा, कोई जरूरत हो तो बताना, मेरे पास एक नई गुलाम यहूदी लड़की है। नहीं नहीं, आज रहने दो, वैसे भी मुझे इन सब चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। एक खूबसूरत राग, ग्रैकस बाथ, एंटोनियस क्लॉडिया के कमरे, और क्रैसस हेलेना को कहानी सुना रहा है, डेंटिलिस डिमिट्रियस की कहानी, जब रोम की बहादुर फौज काफी कुछ बर्बाद हो और रोम का काफी हिस्सा गुलामों की फौज के कब्जे में था, तब सेनापति क्रैसस को जिम्मेदार बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी इज्जत, वो इज्जत जो हमें कब तक ले जाती है? रोम प्रजातंत्र के उन हुक्मरानों ने जो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। हुक्म हुआ रोम को बनाओ। फिर क्या हुआ? जिम्मेदारी संभालने के कुछ दिन बाद मैंने दो साल पहले की बात है, बारिश का मौसम, मैंने लेंटिलिस डिमिट्रियस को बुलावा भेजा। छावनी यही है? हाँ बाबा, मैं लेंटिलिस डिमिट्रियस हूँ, काबुआ से आया हूँ। हाँ हाँ, सेनापति क्रासुस आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं कुछ खाऊंगा और फिर आराम करके ही। सेनापति सब इंतजाम कर देंगे, घोड़े को ले जाकर दाना पानी दे दो। अच्छा, तो घोड़े को मुझसे पहले दाना पानी मिलेगा? आइए, मैं कोई आपकी फौज का सिपाही नहीं हूँ। ठीक है, चलिए। लेंटिलिस डिमिट्रियस जी, तशरीफ रखिए। आपको बहुत दूर से आना पड़ा, आपने शायद कुछ खाया भी नहीं है और बारिश की वजह से भीगे हुए भी हैं। हाँ, भीग भी गया हूँ, थक भी गया हूँ, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूख बर्दाश्त के बाहर है। आपका इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आने का मैं एहसानमंद। एहसानमंद? आप एहसानमंद हैं सेनापति जी? मुझ जैसे आम आदमी का एहसानमंदी से क्या रिश्ता? तुम कहो, तुम। आपकी सेना के सबसे छोटे सिपाही तक मुझे तुम कहकर बुलाते हैं। मैं तो सिर्फ लैनिस्टर हूँ, लड़ाई के अखाड़े का मालिक। इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं। इतनी दूर से मुझे आपने सिर्फ स्पार्टिकस के बारे में के लिए बुलाया है ना? मैं जानना चाहता हूं स्पार्टकस कौन है, क्या है, सिर्फ आप ही मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। मैं सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उसकी रग रग से वाकिफ हूं। स्पार्टकस एक गुरु था। गुरु किसे कहते हैं आप जानते हैं? नहीं। गुरु मतलब तीन पीढ़ी का गुलाम, गुलाम गुलाम का लड़का, उसका लड़का गुलाम। उसी जुबान में कुरु का मतलब होता है एक गंदा घिनौना जीव जिसे और दूसरे जीव तक नापाक समझते हैं। ग्लैडिएटर क्या बुला है? क्या कोई भी गुलाम? नहीं, कम से कम मेरे अखाड़े में तो नहीं। आप कुत्तों की लड़ाई के लिए क्या किसी लड़की की पालतू भेड़ नहीं खरीदना चाहेंगे? जो पालतू हो जाते हैं वो लड़ नहीं सकते। अगर इंसानों को लड़वाना है तो ऐसे लोग खरीदने पड़ेंगे जो तेज हो, दिलेर हो, जबरदस्त हो। लगते हैं उनकी की जंजीरें खुली होती है और हाथ में हथियार होते हैं। हाथों में हथियार लिए वो एक ख्वाब देखते हैं कि वो आजाद हैं। आजादी। सच
समझे आप? बस यही आजादी वो चाहते हैं, या तो मार देंगे या मर जाएंगे। यही एक डार्टिनियस का खेल है जिसे देखने के लिए आप जैसे लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि वो इंसान जिसे पालतू ना बनाया जा सका और जिसके हाथ में हथियार है और आंखों में आजादी का ख्वाब, तब पूरी तरह एक शैतान है, और उसे संभालने के लिए आपको भी एक शैतान बनना होगा। ऐसे लोग आपको आखिर मिलते कहाँ? दुनिया में एक ही जगह मिलते हैं, सिर्फ एक ही जगह से, खदान, खान। Thank you.
ऐसी घिनौनी जगह से स्पार्टिकस आकर भागा कैसे? वो भागा नहीं था, और ऐसे ही लोग सबसे बेहतरीन ग्लैडिएटर बनते हैं। मैं ही उसे वहां से खरीद कर लाया था। और इसी स्पार्टिकस ने लड़ाई कहां सीखी? मेरे यहाँ। उसका नंगा बदन धूप में चमचमाता है, औरतें तो आंखें नहीं हटा पाती, रेशमी रुमाल उड़ाती रहती हैं। सभी लोग उसमें खुशी ढूंढते हैं, जोश ढूंढते हैं। मिलेगा, मिलेगा, जोश भी मिलेगा। इनका अपना खाड़ा है। जहाँ फरमाइशी खेल होता है, खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा माल खिलाते हैं। गोश्त, पनीर, औरत भी। और एक दिन हम अपने लिए खेल का इंतजाम चाहते हैं, दो जोड़े ग्लैडिएटर। हो जाएगा। पूरा खेल चाहिए? पूरा खेल, मौत तक। पूरे खेल का और क्या मतलब होता है? क्यों पूरा खेल क्यों? देखिए, आप पूरे पैसे भी देंगे और हो सकता है शायद आपके बैठते बैठते खेल भी खत्म हो जाए। आप आराम पसंद लोग हैं, वैसा ही खेल देखिए। मैं आपको सारे दिन दिखाऊंगा, जख्म भी देखने को मिलेंगे, खून भी देखने को मिलेगा। 8 घंटे का खेल सिर्फ 8,000 में। हमें बेहतरीन खेल ही चाहिए, पर पूरा खेल चाहिए। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तुम्हें पैसे भी चाहिए और खिलाड़ी भी बचाने हैं। मैं जो चीज खरीदता हूँ पूरी खरीदता हूँ, ना हो सकता हो तो बता दो। ये सौदेबाजी मुझे कतई पसंद नहीं है। 25,000 दिनार लगेंगे। ठीक है, पर एक बात है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जरा सी छुरी लगने पर रेत में औंधे मुंह गिर कर मरने का सा बहाना बनाना, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे खिलाड़ी को उसी वक्त मरवा दिया जाएगा। ऐसा ही होगा। आधे पैसे पहले दे जाइएगा। खिलाड़ियों को देखोगी? देख सकते हैं। आइए दिखलाई देता हूँ। कौन कौन चाहिए? राबा, राबा, दायूद, दायूद, पॉलिमस, पॉलिमस, स्पार्टिकस, स्पार्टिकस। खिलाड़ी पसंद आए? चलेंगे, पर वो जो भेड़ के से चेहरे वाला, वो लड़ भी सकता है? पता नहीं लगता। चेहरे से कुछ नहीं पता लगता है। उसका नाम है स्पार्टिकस। उसका छुरे पर बड़ा बैठा हुआ हाथ है, मैंने उसे जान कर लिया है। उसे किसके साथ भिड़ाओगे? रावा से। ओह जी, ठीक है, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। हफ्ती खिलाड़ी को सास के खिलाड़ी के साथ भिड़ा रहे, हमारा खड़ा बदनाम हो जाएगा मालिक। चुप रहो, जाओ, जाकर अपना काम करो। अखाड़े का नाम और बदनामी मेरे देखने की चीज है। रोम के 25,000 शौकीन तबीयत दरिंदों के लिए भागने जाओ। स्पार्टकस खत्म हो जाए वही अच्छा है। उसे देखते ही मुझे रखो। स्पार्टकस। क्या है बाबा? खुदा जिनको चाहता है उन्हें बचपन में ही उठा ले। नहीं। तुम खुदा पे यकीन नहीं करते? नहीं। तब फिर किस पे यकीन करते हो स्पार्टकस? यकीन करता हूँ तुम पर, अपने आप पर। हम लोग तो डिमिट्रियस के कसाई खाने के गोश्त के टुकड़े हैं। मैं अपने घर से बहुत दूर, अपने बचपन से बहुत दूर। स्पार्टिकस, मैं आज तुमसे नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़े तो हम दोनों को ही मार दिया जाएगा। तब फिर तुम मुझे मार देगा। वैसे भी मैं और जीना नहीं चाहता। हम गुलाम हैं, जिंदगी के अलावा हमारे पास और है ही क्या? पार्टिकल्स, तुम मेरे दोस्त। ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर के साथ दोस्ती मत कर। हजारों बार सुना है, हजारों बार कहा भी है, 32 ग्लैडिएटर तो मेरे हाथ से मौत पा चुके हैं। पार्टिकल्स, फिर भी तुम मेरे दोस्त। पार्टिकल्स, आदमी आखिर पैदा किसी लिए होता है? जीने के लिए। सिर्फ इतनी सी बात थी? हाँ, बस इतनी सी बात के लिए। तुम्हारा जवाब मैं समझ नहीं पाया इस बात। क्यों क्यों ड्रामा? एक छोटा बच्चा तक इसे जानता है,
माँ के पेट से पैदा होते ही से जान जाता है। इससे साफ जवाब और क्या हो सकता है? आदमी पैदा होता है जीने के लिए, जिंदा रहता है जब तक मौत ना आ जाए। और हम जीते हैं अपने दोस्त का खून करके, फिर भी जीना पड़ता है। नहीं, नहीं! पहला खेल बहुत बढ़िया था, यहूदी और थ्रास का, ऐसी छुरेबाजी 100 में से एक भी नहीं मिलती। लेकिन दूसरा खेल सब मिट्टी हो गया। ठीक है, डिमिट्रियस अपनी बात नहीं रख पाया, मैंने भी उसका आधा पैसा रख लिया। क्या कर सकते हैं मालिक, अगर बौखला गया था तो? बौखला गया था? क्यों बौखला गया था? ड्रामा ने 32 पूरे पूरे खेल खेले, 32 ग्लैडिएटर उसके हाथों से मरे हैं, पर 33वीं बारी क्यों बौखला गया था? कोई बात नहीं थी, पता नहीं एक एक क्यों बौखला गया। उसी दोस्त का अखाड़े में खून करना ही और जीना ही होगा, क्योंकि ग्लैडिएटर के पास इसके अलावा कुछ है ही। उधर क्या देख रहे हो स्पार्टकस? यानिकस, मैं आज के बाद किसी ग्लैडिएटर से नहीं लड़ूंगा, मैं और कुछ नहीं जानता। किसी ग्लैडिएटर के मुंह से यह बात बड़ी भयंकर है। इसका अर्थ है आत्महत्या या मुक्ति। आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मुक्ति। प्रत्येक ग्लैडिएटर के खून में ये शब्द बिजली की तरह गूंज जाते हैं। बाबा, अब हमें क्या करना है? बातें बंद करो। मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ। बोलो। लेकिन एक बार बोलने का मतलब है बोलना, ना कि वापस लौटना। बोलो। बाबा, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है? एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से दूसरे गांव, जहां भी जाएंगे गुलामों को आजाद करेंगे, उन्हें अपने साथ लेंगे, फौज आएगी तो लड़ेंगे और हथियार छीनेंगे, बनाएंगे। पर तब रोम हमसे जंग छेड़ देगा। तब हम रोम से भी लड़ेंगे। अगर हमने रोम को बर्बाद नहीं किया तो हमारे पास खड़े होने तक की जगह नहीं रहेगी। स्पार्टकस! 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 स्पार्टकस!
ये शुरुआत थी। खबर रोम तक जाती है, सेनेट बैठेगा, रोम की बहादुर फौज के 6 दस्ते, 3,500 सिपाही अब सेनापति क्रासस के नेतृत्व में आएंगे। सीनेट के माननीय सदस्यों, अगर आप इजाजत दें तो गवाह को हाजिर करवाया जाए। तुम्हारा नाम? ऑरेलियस पोर्थस। इस पवित्र सीनेट में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें हकीकत बयान करनी है। तुम्हारी उम्र? 25 साल। पेशा? रोम के शाही दस्ते का सिपाही हूँ। कौन से दस्ते का? 3rd दस्ते का। ऑरेलियस पोर्थस, तुम्हारे और तुम्हारे साथ के 5 और दस्तों के साथ कापुआ से दक्षिण तक के सफर में क्या क्या हुआ? यहाँ से कापुआ 5 दिन का सफर, वो भी दिन में 20 मील चला जाए तो पैरों में छाले, थकावट, भूख। एपियन की सड़क पक्की है, फिर विसुवियस के लिए कच्चा रास्ता। बारिश में भीग कर तो सभी लोग और भी चिड़चिड़े हो गए थे। उसी वक्त 4 गुलाम पहाड़ी से उतरकर नीचे की तरफ आए। ग्लैडिएटर? नहीं, घरों में या खेती करने वाले गुलाम, 3 गुलाम और 1 गुलाम औरत। फिर उन्हें मार दिया गया। क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम, पर शायद उस इलाके के हर गुलाम को दुश्मन मारा गया। अगर दुश्मन होते तो पहाड़ से उतरकर क्यों आते? ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ये काम दूसरे दस्ते के सिपाहियों का था। उन्होंने कतार तोड़कर औरत को पकड़ लिया, उन्होंने लड़की को जमीन पर गाड़कर एक के बाद एक। समझ गया, तुम्हारे सरदारों ने कुछ एतराज नहीं किया? नहीं। तुम्हारा मतलब है कि ये सब उन्होंने अपने सामने होने दिया? हाँ हाँ, अपने सामने। और औरत को कैसे मारा? वो तो जो कुछ वो कर रहे थे इसी से मर गई। फिर क्या हुआ? फिर पड़ाव डालने की तैयारी होने लगी। राशन में रोटियां काफी थी इसलिए खाना भी नहीं पकाया गया। सर्दी ज्यादा नहीं थी इसलिए मैदान में ही। तुमने किलेबंदी नहीं की? नहीं। रोम की फौज बचाव का इंतजाम किए बगैर कहीं रात नहीं गुजारती, ये बात तुम लोग नहीं जानते थे? सभी लोग बहुत थके हुए थे। तुमने कहां रात गुजारी? विसुवियस पहाड़ के काफी नजदीक। मेरी नींद एक चीख से टूटी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा है, लेकिन देखा तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे। मैं कालियुस के पास सोया था, वो मेरा पड़ोसी था और दोस्त भी, लेकिन देखा तो वहां कालियुस की गर्दन पड़ी थी बिना सर के। चारों तरफ चीखें पड़ रही हैं और खून डर रहा है, अपने और पराए खून में फर्क नजर नहीं आ रहा, और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई पड़ी हैं। हर जगह बस गुलाम ही गुलाम, की छुरियां और तलवारें बस उड़ती और गिरती हैं, चांद की रोशनी में चमचमाती। आधे लोग नींद में ही मर गए, जिन्होंने उठने की कोशिश की वो भी मर गए। एक हाथ जगह उन्होंने इकट्ठा होकर लड़ने की कोशिश भी की, पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सके, टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं बाहर की तरफ निकल कर भागा, लेकिन वहां लोग भाली लिए खड़े हैं दीवार की तरह। ज्यादातर औरतें, ऐसी औरतें मैंने कभी नहीं देखी, चेहरा भूखी शेरनियों की तरह बाहर हवा में उड़ रहे हैं और भूखी शेरनियां जोर से चिल्ला रही हैं। एक सिपाही ने मेरे पास से भागने की कोशिश की, दोनों औरतों ने उसे भाले से जमीन में गाड़ दिया। मैं बाहर निकलकर दरार ढूंढ रहा था, उसी वक्त मेरे हाथ में एक भाला जमा, मैं तेजी से दौड़कर अंदर आया और वहीं गिर गया, कीचड़, खून और लाशों के बीच। सोचा डरकर मरूंगा, पर ऐसा कर न सका। मालूम नहीं कब तक चीखे खत्म हो गए। उसके बाद किसी ने मुझे खींच कर उठाया, मैंने अपनी तलवार चलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने झटका मारकर मेरी तलवार ही गिरा दी। एक ने मुझे मारने के लिए छुरा उठाया, पर किसी ने चिल्ला कर कहा, हेलो छुरा, छुरा मेरी गर्दन तक आकर रुक गया। लगता है इसके अलावा और कोई नहीं बचा। गुलाम हमारे सिपाहियों की लाशों से हथियार, जूते, पोशाकें वगैरह इकट्ठा करने लगे। गुलाम सामने के झरने में हथियार धोने लगे। पानी
पानी एकदम लाल हो गया था। हजारों भाले, हजारों छुरे, हजारों तलवारें, सब हमारे, सब हमारा खून। वो कितने गुलाम थे? 700, 800, 1000 मालूम नहीं। लाशों का उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, लाशें वहीं पड़ी रही। वो आ जा रहे थे, टहल रहे थे, काम कर रहे थे, जैसे उन्हीं लाशों के बीच, जैसे कि लाशें वहां थी ही नहीं। वो लोग खा भी रहे थे। हाँ, मैंने खाते देखा उन्हें, उन्हीं लाशों के बीच। उसके बाद? मेरा नाम स्पार्टिकस है, नाम याद रखना। तुम लोगों ने उन तीन गुलामों को क्यों मारा? रोम की औरतें क्या इतनी बात है कि पूरे एक दस्ते को एक गुलाम औरत पर जोर धरना पड़ा? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन दूसरे दस्ते के सिपाहियों ने, पर वो आदमी मुझे घूरता रहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनो। रोम पहुंचकर ये सब बातें अपने स्नेक को बता देना। उसने क्या कहा था? एक गुलाम की बात, एक ग्लैडिएटर की। मेरी जबान कट जाए इसे बोलने से पहले। बहुत हो चुका, बोलो। रोम पहुंचकर वो सब कहना जो यहाँ देखा है। उनसे कहना उन्होंने 6 दस्ते भेजे थे, हमने खत्म कर दिया। हम गुलाम है ना, गुलामों ने कहा है कि वो चाबुक का नगमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया की शुरुआत में सभी इंसान बराबर थे। आज रोम की दौलत की वजह से 2 तरह के इंसान हैं, मालिक और गुलाम। हम लोग तुमसे लाख गुना ज्यादा हैं, लाख गुना बेहतर। इंसानों में जो कुछ भी खूबी हो सकती है वो सब हम में। हम औरत जात की इज्जत करते हैं, तुम औरत जात को तबाह बना देते हो। हम अपने बच्चों की जुदाई में रोते हैं। तुम लोग गुलाम औरतों के पेट से गुलाम पैदा करके उन मासूमों को बाजार में बेचाते हो। उन्होंने बताया कि हम इंसानों को कुत्तों की तरह लड़वाकर अपने लिए खुशी ढूंढते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जलालत ने ही इस दुनिया में गंदगी फैलाई है। तुम ही ने इंसान को जानवर बनाया है। मौत को तुम ही लोगों ने खेल बनाया है। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। स्लेट से कहना वो और फौज भेजे, हम उसे खत्म कर देंगे। दुनिया के सारे गुलामों से हम कहेंगे जंजीर तोड़ो, हमारे साथ आओ, हम रोम चलेंगे। हाँ, हम रोम चलेंगे, रोम को बर्बाद करेंगे। जाओ, सिनेट ने ही तुम्हारी फौज को भेजा था, उनमें से अब सिर्फ तुम बचे हो। जाओ, सिनेट से कहना गुलाम स्पार्टिकस ने कहा है। हाँ, गुलाम स्पार्टिकस ने कहा है, स्पार्टिकस ने कहा है, स्पार्टिकस।
हैं स्पार्टिकस। ड्रामा। वो तुम्हारा दोस्त था है ना, तुम उससे लड़ना नहीं चाहते थे। कौन लड़ना चाहता है, एक जानवर भी लड़ना सीख लेता है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं आजाद हूँ लेकिन मैं जानता ही क्या हूँ, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तुम वो जानते हो जो सिखाया नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं, और मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ सब कुछ। क्यों तारे आसमान से गिरते हैं लेकिन परिंदे नहीं? सूरज रात को कहाँ गायब हो जाता है? क्यों चांद हर रात अलग दिखता है? मैं जानना चाहता हूँ ये हवाएं कहाँ से चलती हैं? हवा की शुरुआत एक गुफा में होती है। दूर आसमान में एक जवान देव सोता है, अपनी महबूबा को देखता है और आहें भरता है, और वहीं से इस चांदनी रात की शुरुआत होती है। मैं तुमको जानना चाहता हूँ, तुम्हारी हर लकीर, तुम्हारे हर अंग को, तुम्हारी हर बात को, तुम्हारे दिल की धड़कन को। दर्द बहुत हो रहा है। हाँ, तुम्हारा बच्चा बहुत शैतान, मुझे लगातार लाती उसे मारता रहता है। उसे तुमसे मिलने की बहुत जल्दी है, इसमें उसका क्या कसूर है? क्या तुमने महसूस किया? काश उसे आने से पहले ही रोक हमारा। रोम, उन्होंने आज तक हमें कभी नहीं हराया। नहीं, लेकिन हम जितनी बार भी उनकी फौज को हराते हैं वो एक और फौज भेज देते हैं, और फिर एक और, और फिर एक और। वारिनिया, ऐसा लगता है कि जो हमने शुरू किया है उसका कोई अंत नहीं। अगर इसका अंत कल हो जाए तो उससे बेहतर क्या होगा? वारिनिया, मुझे कमजोर मत बनाओ। तुम इतने ताकतवर हो कि तुम कमजोर कर सको। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ होकर भी मैं अकेला महसूस करता हूँ। मैं हम गुलामों के एक भगवान को देखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ क्या कि हमारा बेटा भी आजाद पैदा हो। मैं भी। मेरे बेटे का ख्याल रखना, और अगर मैं ना रहूं तो उसे बताना मैं कौन था और हमने साथ क्या सपना देखा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती स्पार्टिकस। हमको एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। जब तक हम में से एक भी जिंदा है हम सब जिंदा हैं, और जब तक जिंदा है हम सब साथ हैं। विला सिलारिया, उस खूबसूरत रात की खूबसूरत सुबह। ग्रीक संगत राशि में ऐसी क्या खासियत है, मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हजार साल पहले मिस्र में नहीं हुआ। लेकिन ग्रीक मूर्तियां मुझे बहुत पसंद है, उसमें सफाई है, सादगी है, और बाग में भी अच्छी लगती है। तब तो स्पार्टिकस की बनवाई हुई मूर्तियां आप बाग में सजा सकते थे। अफसोस है, हमारे दोस्त सेनापति क्रासुस ने उन्हें तहस नहस करा दिया। मूर्ति तोड़ना जरूरी था। किसकी मूर्ति? विसुवियस की ढाल पर स्पार्टिकस ने कुछ पत्थर की मूर्तियां बनवाई, उन्हें तोड़ने के हुक्मनामे पर सेनेट की तरफ से दस्तखत मैंने ही किए थे। क्यों? क्यों नहीं, अगर कूड़ा ही कूड़े की मूर्ति बनवाए तो, साफ ना करे तो क्या करें? किसकी मूर्ति थी? मैंने नहीं देखी थी, क्रासुस को मालूम है। तीन ग्लैडिएटरों की, एक थ्रास, एक गोल और एक हफ्शी, उसके पीछे एक औरत, औरत के एक हाथ में कुदाल की और दूसरे में राजमिस्त्री की कन्नी। इससे क्या मतलब निकलता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मूर्ति बहुत सुंदर थी, खास तौर से औरत की मूर्ति। उसे भी तोड़ दिया? बिल्कुल, उसे क्यों बचा कर रखना था, स्पार्टकस की याद दिलाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है इससे, रोम क्या इतना कमजोर है स्पार्टकस की मूर्ति से फर्क पड़ जाता। गुलामों की बगावत को हमको छोटा करके दिखाना, गुलामों ने रोम को जो तकलीफें दी अगर वो लोगों की नजर में आ जाती तो रोम की शान उठने के बजाय गिर जाती। सेनेट का हुक्म ना भी होता तभी उन्हें तोड़ देते।
बिल्कुल मूर्तियां मैंने ही तोड़ी, हां मैंने ही तोड़ी। तुमने स्पार्टाकस को भी कुचल दिया है, दुनिया में मालिक है और गुलाम है और रहेंगे। क्या यही खुदा का निजाम है? स्पार्टाकस कौन था? दुनिया के लोगों को बुलाना पड़ेगा। स्पार्टाकस रोम बर्बाद कर सकता था, मैं यकीन नहीं करता। यकीन ना करना ही बेहतर है। मैं यकीन करता हूं क्योंकि मुझे स्पार्टाकस से लड़ना पड़ा, उससे जीतना पड़ा। उस औरत की मूर्ति को बचाए रखने से स्पार्टाकस का कौन सा दस्तावेज याद रह जाता? बहुत से लोग कहते हैं वो वारिनिया थी। वारिनिया? हाँ वारिनिया, स्पार्टाकस की बीवी। गुलाम की कोई बीवी नहीं हो सकती, हमेशा बकवास करते रहते हो। स्पार्टाकस की रूह कल तक ये सब स्पार्टाकस को भूल जाएंगे। ये हेलेना, कायूस, एंटोनियस, सिसेरो सब। लेकिन तुम क्रासुस, तुम ग्रैकुस, स्पार्टाकस की रूह से क्या तुम कभी आजाद होगे? ग्रैकुस, किसके बारे में सोच रहे हो? वारिनिया। क्रासुस, किसके बारे में सोच रहे हो? वारिनिया। एक गुलाम और ऐसी हजारों गुलाम औरतें रोम के बाजार में बिक रही हैं। क्रासुस, तुम्हारी दिलेरी की कहानी आज पूरी रोम की जुबान पर है। तुम तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, रोम की कोई भी हसीना तुम्हारे साथ सोना अपनी किस्मत समझेगी। मगर गुलाम स्पार्टाकस में जो बात थी तुम में नहीं है। गलत। स्पार्टाकस में ऐसा क्या था जो मैं चाहूं और ना मिले? सेनेटर ग्रैकुस, लोगों को खरीद कर बेचकर गुंडागर्दी की मदद से सियासी दाव पेचों से तुम सेनेट के हीरे बन गए। कोई भी औरत तुम्हें जीत ना पाए। विवाह जैसी जंजीरों की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। तब वारिनिया को क्यों ढूंढ रहे हो? जानने के लिए। क्या जानने के लिए? जो कुछ बेहतर है, जो कुछ नायाब है, जो कुछ खूबसूरत है, वो सब हमसे छूट गया है। तहजीब छोड़कर हमने नजाकत अपना ली, खुशी छोड़कर हम ऐश परस्त हो गए, मोहब्बत छोड़कर हमने अय्याशी ले ली। लेकिन पता नहीं हमारी छोटी सी खुशियां, नायाब चीजें और खूबसूरती कैसे स्पार्टाकस ने उठाकर दुनिया के सबसे निचले तबके में बांट दी। मैं जानना चाहता हूँ वारिनिया क्यों स्पार्टाकस की बीवी है और मेरी माँ रोम एक तबायस। आई देखी सदा का नमूना स्पार्टाकस का दाया है रेट्रक्स। मुझे सब जानकारी है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। आइए देखिए फ्लेवियस। कौन? क्रैकस, तुमने आपने मुझे पहचान लिया? मैं जिसे एक बार देख लेता हूँ उसे कभी नहीं भूलता। बहुत से लोग नहीं भूलते, बस निगाह बचा जाते हैं। याद है तुम्हारी सियासी कामों के लिए वो 3 नंबर मोहल्ले वाली ओलिविया? तुम मैंने कितनी बकवास मत करो, मुझे तुमसे कुछ काम है फ्लेवियस। इस वक्त मैं रोम जा रहा हूँ, शाम को मेरे घर आना। ये काम है मेरे से? मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, तुमने सुन लिया, नहीं आए तो नुकसान में रहोगे। 2 महीने पहले जिस वक्त वारिनिया का बच्चा हुआ था या होने वाला था, यही बात पूछ रहे हैं? समझ गया, तुम असली बात पर आओ। असली बात ही तो बता रहा हूँ। उस सिपाही को तो बस इतना मालूम था कि उस औरत का बच्चा हुआ था। उसे मालूम था कि वो वारिनिया है, स्पार्टाकस की बीवी। मुझे तो ये बातें कौन सिपाही ने बतलाई? वो सिपाही बच्चे की टांग पकड़ के उसे पटकने ही वाला था कि क्रासुस उसे रोक लिया। क्रासुस का ये बर्ताव क्या अजीब है ना? क्रासुस के बर्ताव से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तब से बकवास कर रहे हो। वारिनिया से मिले, उसे खरीदा? कैसी खरीदूं? वो बाजार में ही नहीं है, उसका मालिक उसे बेचता ही नहीं है। कितने पैसे मांगता है? पैसों की तो बात ही नहीं है, उसे बेच
बेचता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर उस पैसे की बात ही नहीं करता। कौन है उसका मालिक? सेनापति क्रासस। क्रासस? जी हाँ, क्रासस। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की। ये खबर मैं उसके महल से पैसे खर्च करके लाया हूँ। लेकिन उस दलाल ने वारिनिया का नाम सुनते ही अपना मुंह ऐसे कर लिया जिसे उसके पास उस नाम की कोई गुलामा थी ही नहीं। क्रासस उसे क्यों रखना चाहता है, तुम्हें कुछ पता है? फरमाएंगे। क्या? जी हाँ, हमारे प्यारे सेनापति क्रासस को इश्क हो गया है। कैसे कितने दिन चलेगा वारिनिया? इससे अच्छी हालत में रहने की बात कोई गुलाम औरत सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मालूम है अगर मैं चाहूं तो तुम्हें खान के दलालों को बेच सकता हूं और तुम्हारे बच्चे को कहीं और। तुम क्या यही चाहती हो? नहीं। फिर वारिनिया, मुझसे ज्यादा पैसा सारे रूम में शायद किसी के पास नहीं है। मैं जितनी गुलाम औरतें चाहे खरीद सकता हूँ। गुलामी क्यों, कोई भी औरत, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करो। करोगी? नहीं। क्यों, क्यों नहीं कर सकती? स्पार्टिकस ने तुम्हें जो कुछ दिया है मैंने उससे ज्यादा ही दिया है और उससे बहुत ज्यादा दे सकता हूँ। नहीं। रूम को बर्बाद नहीं किया जा सकता। स्पार्टिकस ने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। तुम स्पार्टिकस के लिए रोने से क्या फायदा? तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, स्पार्टिकस को भूल जाओ। नहीं। वारिनिया, तुम स्पार्टिकस को समझना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ। तुम मुझे बतलाओ, मुझे समझाओ। अगर स्पार्टिकस को समझ सका तो शायद मैं भी स्पार्टिकस जैसा बन सकूं। मैं उसे कैसे समझाऊं स्पार्टिकस? मैं उसकी बात नहीं समझ पाती। तुम्हारी सब बातें मैं समझती। तुम मेरे हमदर्द थे, मेरे हम सफर थे, मेरे दोस्त थे। हम दोनों एक थे। हमने एक साथ काम किया, एक साथ लड़े। तुम्हारे जख्मों का मुझे खुद ब खुद पता लग जाता था। तुम्हारे बदन के छूने से ही जख्म मेरे हो जाते। राबा की मौत पर तुम मेरी गोद में सर रखकर रोए। जब मेरा पहला बच्चा मुर्दा पैदा हुआ मैं भी तुम्हारी छाती पर सर रखकर वैसे ही रोई। तुम्हारे पास आकर मुझे कोई डर नहीं रहता। लगता था मौत भी मुझे छू नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी बातें मैं उसे क्या बताऊं स्पार्टिकस? लोग कहते हैं कि तुम कोई खास आदमी दुनिया से आए, लेकिन नहीं, तुम आदमी थे बहुत ही आम, हम जैसे। तुम सीधे थे, साफ थे, नेक थे, तुम्हें चाहत थी, तुम हम सबको चाहते थे, हम सब, हम अकेले नहीं थे, हम सब सबके थे, सब सबके। मैं भी ऐसी थी, हम सब ऐसी थे। एक साथ रहकर, एक साथ लड़कर और एक साथ काम करके। लेकिन तुम स्पार्टिकस, तुम शुरू से ही ऐसे, इसीलिए तुम्हारी बातें हम सुनते थे और तुमसे सीखते। हम खराब थे पर अच्छे होने की कोशिश कर रहे। हम लोग भूली नहीं थे। हम लोग कुछ ऐसे थे जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। हम बस वो थे जो आदमी बन सकते थे। आज हम नहीं है फिर भी स्पार्टिकस, तुम भी हो, मैं भी हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, उन लोगों के साथ भी हूँ।
Rishabh, who's the choreographer.